तुम लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा हो रहा हूँ। तुम्हारे अधिकारों के लिए थोड़ी खड़ी है, तुम्हारे नहीं गाइस के। ऑडियंस बताएगी मैं कैसा व्लॉगर हूँ, तुम कौन होते हो बताने वाले? यू पीआर कपल गाइस, मुझे बस कंटेंट की कमी में ही बुलाया जाता है, वैसे मुझे पढ़ने को ही बताया जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सीआरए। कैसे बोलते हो? आज धूप उल्टी पड़ रही है यार। गाइस आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं गाइस? रोहिणी नहर डुबाने राशि को। मम्मी हेलो। मम्मी मैं आज पहली बारी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? खांसी आ गई उनको। मस्त बनाओ गाइस। ये ना मम्मी घर पे नहीं बोलती हैं। इलेक्ट्रिक बस भी आ गई गाइस। मम्मी ना ऐसा घर पे नहीं बोलती हैं, व्लॉग में ही बोल रही हैं, बनाओ बनाओ कोई दिक्कत नहीं। वैसे क्या बोलती है, पढ़ ले पढ़ ले, अपनी बुक्स नु खोल लिया कर कदे, ऐसे बोलती है घर पे। सो गाइस मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि नव्या अपना एक सेपरेट यूट्यूब चैनल बनाए तो कमेंट्स कर देना, ठीक है? भर भर के तो कर देना, फिर मेरी मम्मी को भी मनाने आ जाना थोड़ा सा ना, मैं तो मानती नहीं। सो गाइस देख लेना आप लोग कमेंट्स करना, सो मैं कमेंट्स पढ़ूंगी उसके हिसाब से। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रोहिणी, हमें खेतरी विसर्जित करनी है और उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे और उसके बाद हम नव्या को आज एक गिफ्ट भी लेके देंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो, नॉट श्योर। तो वैसे मैं तो शॉपिंग करूंगा, वैसे पूरे पूरे चांसेस हैं कि हमें आना। और आशीन ने अभी तक मेरा सीरम नहीं करा ऑर्डर। तो गाइस आज मैंने आप लोगों का वेलकम करा, आप लोगों का? हाँ गाइस आज हमने वेलकम नहीं करा और नव्या ने करा, तो आप बताना कि आपको कैसा लगा। एंड हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आज का पूरा ब्लॉग नव्या से ही शूट करवाएं और नव्या ही बोलेगी ब्लॉग में। वेरी नाइस, क्योंकि मेरे को घर पे बोलने नहीं देते ना, तो यहीं बोल लूंगा सब। ऐसे ना बोलने नहीं खोलने, सिर्फ बोलना। बोल बोल के स्कीम बता दो। हां सब स्कीम बता दो, बोल बोल के स्कीम बता दो, जोर जोर से। गाइस आज मैं ब्लॉगर हूँ और ये लोग ब्लॉगर का फोन ही ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, अपने पास रख लेते हैं। आज मैं ब्लॉगर हूँ, मैं आज ब्लॉगर, वैसे तो मैं रोज ही हूँ पर वो ऑफ कैमरा होती है। आज नवे जी आज आपको छोले कैसे लगे? आज मेरी मम्मी ने बनाए हैं छोले गाइस, छोले पूरी हलवा, छोले पूरी हलवा। तो गाइस मम्मी मुझसे पूछ रही है, ये मैंने देखा कि ब्लॉगर सो गाइस बोलते हैं, तो मैं भी बोलूंगा मुझे अच्छा लगेगा, तो सो गाइस। मम्मी ने बनाए हैं छोले पूरी हलवा, तो मम्मी अब मुझसे पूछेंगी कि छोले कैसे बने। पूछो मम्मी। पूछ लिया उन्होंने, कितनी बार पूछे। नव्या जी आपको छोले पूरी और हलवा कैसे लगे? अच्छे लगे, मम्मी ने तो स्वाद बनाया गाइस, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें खिला नहीं सकता लेकिन बता सकता हूं, बहुत स्वाद। गाइस मैं नया नया ब्लॉगर हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस मुझे, सिर्फ एक मिनट ये बताने दो बात, वो कैमरा बंद हो गया था। गाइस मुझे बस कंटेंट की कमी में ही बुलाया जाता है, वैसे मुझे पढ़ने को ही बताया जाता है। सब ब्लॉगर दिल से ब्लॉगर होते हैं। ऑडियंस बताएगी मैं कैसा व्लॉगर हूँ, तुम कौन होते हो बताने वाले? यू पीआर कपल। जियान मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ जियान।
बात सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ ज्ञान सिंगर दो राशि के सुरील ले गले के लिए। आप मेरी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो, मैं आज व्लॉगर हूँ बता रहा हूँ। व्लॉग में सबको मम्मी मैंने ना एक और प्लान सोच लिया। क्या? अगर मेरे से पीसीबी नहीं हुई अच्छा तो मम्मी मैं ना सोच रहा हूँ मैं पढ़ाई ड्रॉप कर दूँ। टेंथ तो हो गई, अब बंद करूँ पढ़ाई वढ़ाई और बिजनेसमैन बन जाऊँ। बिजनेस क्या करेगी? मोमोज का ठेला लगाएगी? वही हो सकता है बिना इन्वेस्टमेंट के। तो सही है, मोमोज का ठेला लगाएगी। नहीं नहीं मोमोज और तो इकट्ठा किए नहीं हुए तूने। मोमोज का ठेला नहीं, चाइना से प्रोडक्ट मंगाऊंगा फिर उनपे अपनी लेबलिंग करूंगा। वेरी गुड। फिर उन्हें महंगे में बेचूंगा ये बोलते कि बड़े अच्छे क्वालिटी के हैं। और राशि से प्रमोट करवाऊंगा। वो तो है नहीं, अपने गाइस से पूछ लेना कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। गाइस अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बता देना, मैं राशि का पेटीएम नंबर दे दूंगा उसका भेज देना, मेरा तो बैंक अकाउंट भी जब मेरा मूड अच्छा नहीं है मेरे को कोई व्लॉगिंग नहीं करनी, मेरे को नहीं बात करनी। पर इन्होंने बोला कि अगर तूने व्लॉगिंग नहीं करी और व्लॉग नहीं बनाया तो हम तुझे कपड़े नहीं लेके देंगे। और मेरे को जाना है ना इसलिए मुझे कपड़े चाहिए, पर मुझे कपड़े नहीं लेके दे रहे। गाइस जब पेपर खत्म होता तो उन्होंने बोला था कि हम तुझे ट्रिप पे लेके जाएंगे और घूमने लेके जाएंगे। और हर बारी जब खुद का कोई काम होता है तो बस गाड़ी में बिठा के ले आते हैं और छोड़ देते हैं घर वापस। हम ये सब डालेंगे कि तेरी बकवास बाजी। अगर तुमने ये सब नहीं डाला तो व्लॉग में क्या डालोगे? मैंने तो सारे व्लॉग में यही किया। तो गाइस ये वाली व्लॉगिंग में से जबरदस्ती करवाई जा रही है। गाइस जब ये लोग बाहर लेके आते हैं ना तो कुछ खिलाते भी नहीं है, कुछ लेके भी नहीं देते, और बाहर भी सिर्फ तब लाते हैं जब खुद को कोई काम होता है। देख लो गाइस मम्मी को ऑप्शन नहीं देते, लाके खड़ा कर देते, खाना तो खाओ नहीं तो रहने दो। गाइस मैंने इनको बोला भूख लगी है, गाइस मैंने इनको बोला कि मुझे भूख लगी है, बस बोलने ही नहीं दे रहे। फिर बोलते व्लॉग कर ले व्लॉग कर ले, बाद ना रखा अगर को मौका भी तो दो बोलने का, खुद ही बोलते रहते हैं। बाय गाइस मैं बात करूं। गाइस अभी तो ये हेल्दी खा रही है, पहले इसने खाया शेजवान वाले मोमोज, फ्राइड राइस, मैंगो शेक, फ्राइड राइस, गोल गप्पे, टिक्की, सब मैंने कल ने रूसा ना। गाइस तभी तो ये इतनी मोटी होती जा रही है, यही है इसके पेट के पीछे का राज। इतने मारूंगा ना चांटे। इसी व्लॉग में बताया मैंने 7 किलो वजन कम किया, यही फ्रूट्स का था। ओ नहीं 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 वो तो टेंशन से हुआ है, खाती तो ये तब भी थी, चॉकलेट खाती थी इतनी ज्यादा। गाइस मैं ही लाके देता था, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें क्या पता। मेरी अलमारी जब खोलो ना तो कपड़े नहीं निकलते है, पैसे निकलते हैं। तभी तो नवे अब अपना बिजनेस कर रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लगा चाय का ठेला, चाय का ठेला लगा लूं, मट्टी राशि बनाएगी। वाह नहीं क्या बोला उसने, प्रमोट मैं कर दूंगी, चाय का ठेला। वाह राजी मट्टी बेचेगी गाइस, राशि और नवे की चाय और स्पेशल मट्टी। उसने बोला क्या सुना नहीं? गाइस मम्मी ना यही करती है, मम्मी ना मेरी पॉलिटिकल लीडर है, तभी तो मैं इतना चौड़ा होता रहता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे पता है मेरी मम्मी मुझे बचा लेंगी। वोट लगेगी चाय पे। मेरी मम्मी ना इलेक्शन में खड़े होकर लोगों को धमकाती है। गाइस मैं पहले क्लियर कर दूं कि तुम बाद में बातें सीरियसली ले लो, इससे पहले मैं बता दूं कि मैं सीरियसली बोल रहा था। तो वैसे बहुत कमजोर है। हम लोग तो शूट पे जा रहे हैं, आगे का व्लॉग नवे घर जाके कंटिन्यू करेंगे। हाँ गाइस मैं तो वेला ही हूँ, मेरे पेपर खत्म हो गए, कहीं घूमने लेके जाते नहीं है, कहीं बाहर लेके जाते नहीं है, कपड़े लेके देते नहीं है, कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल वेला हूँ, जिंदगी से वेला हूँ, यही कर लूंगा। मेरे को लगा था कि 5 तारीख को कैमरा लो, एक तो इसके हाथ से कैमरा। मुझे लग रहा था कि 5 तारीख को इसके खुल जाएंगे स्कूल, घर पे होगा सुकून, क्योंकि ये ले लेगी अच्छी से स्ट्रीम और आराम से जाएगी पढ़ेगी
पता लगा भाई 2 महीने स्कूल नहीं खुल रहे, स्कूल नहीं खुल रहे, 2 महीने तक खेलना पड़ेगा इसको। बड़ा औखा है तेरे साथ रहना, 2 महीने तो ही तो कह रहा हूं, 2 महीने तक खेलना पड़ेगा। गाइस इनको तुम बोलो कि यही क्यों नहीं चले जाते हैं, कहां ये क्यों झेल रहे हैं। चले जाओ कहीं, चले जाओ। क्या है ये? ओए ओए कितना सारा खा ले, 4 पीस ही है, खा ले पेट भर गया यार। कुकर बना दिए हैं, मतलब हम तो पूछते भी नहीं है। वो भी थोड़े से खराब वाले दिए उसने, मुझे कुछ हमने दे दिए खराब वाले भी, हम तो वो भी नहीं देते, हम ऐसे लोग हैं। राशि नवे तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। हां मम्मी किस्मत क्या, कुकर बना तू हमारा खा दिया झूठा। भैया को देख, नहीं मम्मी इससे भैया का ही पता लग रहा है कि वो मुझे खाने को भी नहीं देते हैं। लोग कहेंगे कैसे भैया हो आप, खाने को भी नहीं देते अपनी बहन को। 4 पीस दिया उसमें, कह रहे हो शुक्र मना दिया तो है, मतलब गाइस सोचो अभी जो व्लॉग में 4 पीस दिया तो घर पे तो खाने को ही देते होंगे, भूखा मर जाता हूं मैं। हम नहीं देते खाने को, मैं एग्री करता हूं, हम नहीं देते नवे को खाने को, क्योंकि हम इससे जब भी पूछो ना भूख नहीं है। नहीं ये तो इलेक्ट्रोस इंटॉलरेंट, वैसे भी ये आती तो ये इलेक्ट्रो इंस्टॉलमेंट में है ना। गाइस मैं ना इलेक्ट्रो इंस्टॉलमेंट में नहीं हूं, मैं ना लैक्टोस इंटॉलरेंट हूं। कोई दूसरा बंदा भी गाड़ी में उपलब्ध है, जो जो लोग उपलब्ध है वो मुझे खिलाते नहीं है, शॉपिंग नहीं करा तो मैं उन्हें आपको खिलाते मैं उन्हें क्यों दिखाऊं, खिला दिया करो भाई। रोटी खाती का ये जाए पे मोर ले जाए पे। नहीं गाइस मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा पहला पॉलिटिकल लीडर बनूंगा जो 10वीं पास होएगा बस। क्योंकि गाइस ऐसे बहुत है, बहुत है। अच्छा बहुत है क्या, पढ़े लिखे कम है गाइस, मेरी मम्मी ने बेइज्जती कर दी उनकी। तो मेरी बात सुनो, देखो अब हम सबकी मांगे एक ही हैं, हम सब मेरी बात सुनो ना, अब जो भी अरे एक मिनट ना, जो जो मेरी एज की है वो सब सबकी डिमांड्स यही है ना, सब यही चाहते हैं। लेकिन सबके घर वाले वो चाहते हैं उन्हें पेपरों के बाद घूमने ले जाना जाए, उन्हें कपड़े क्या घूम रहे हो, अपनी केतरी बढ़ाने आए थे मुझे गाड़ी में बैठा रखा तब से, ठीक है। मेरे से व्लॉग भी बनवा रहे, कह रहे व्लॉग बनाएगी तो कपड़े लेके देंगे, मैंने व्लॉग भी बनाया लेकिन कपड़े उन्होंने तब भी नहीं लेके दिए। गाइस अपने इतने कपड़े लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं लेके देते। कौन से कपड़े लिए? अभी दिखा दूंगा घर जाके, वो भी दिखा दूंगा, है ना। तो मेरे को बना दो पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, और मैं तुम सबकी मांगों के लिए खड़ा होऊंगा। आप ये कह रहे हो मैं नहीं खड़ा हुआ यार, इनसे मांगों के लिए अपने लिए रिश्वत ले रही हूं। फंडिंग रिश्वत तू बाहर से मांग रही है, फंडिंग चाहिए, पैसा वापस नहीं करूंगी, तेरे को देंगे, तेरे लिए तू बनेगी पॉलिटिकल, चाटे हो जाएंगे। अरे चल तू चल चल छोड़ो, चलो बन भी गई, क्या करेगी पहला चीज, क्या करेगी करेगी सबसे पहले मैं उनको सिखाऊंगा, नहीं सबसे पहले मैं उनको सिखाऊंगा कि अगर तुम्हारे भाई बहन है तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, इतना पागल बनाते हैं ना वो तुम्हें, इतना पागल बनाते हैं। उसके बाद मेरी बात सुनो, मैंगो लेना, मैंगो लेना, ले लो गाइस मैंगो ले लो। यहाँ मैं तुम लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा हो रहा हूँ। साइना महाराज तुम्हारे अधिकारों के लिए थोड़ी चाहिए, तुम्हारे नहीं गाइस के। मैं बताऊँ कहाँ जाना है, मैं बताऊँ, अरे बता दे, 7:30 का हो गया टेक। बात खत्म करो, सबसे बेस्ट यार, बहुत लंबा टेक हो गया, कहीं तुम डालो ही मैं कुछ। जब मैं तुम्हारे अधिकारों के लिए होऊंगा लेकिन खड़ा, मुझे पॉलिटिकल लीडर बना देना। जब ये खड़ा होएगी तब हम इसको ब्लॉगिंग पे खड़े कर देंगे, तब तक के लिए इसकी ब्लॉगिंग आज ही खत्म करते हैं। बहुत अच्छी ब्लॉगिंग थी आज, बस ये जो ब्लॉग था आज ही आपने देखने के लिए मिला, जिंदगी में आपको कभी नहीं मिलेगा देखने के लिए। मैं इसका चैलेंज देता हूँ, मुझे पता है आप लोगों के कानों से खून आ रहे होंगे, ओके। आपको नहीं पता कितने लोग मेरे साथ होंगे, कितने मेरी एज के लोग मेरे साथ होंगे, उनके साथ भी ऐसा ही अत्याचार हो रहा है उनके घर में। अरे यार तो अपना यूट्यूब चैनल बना, अत्याचार में काम कर रोती रही दुखड़े। बाय, चलो गाइस बाय, बड़ा लंबा टेक हो गया, डाले ही ना कहीं पता लगे तुम्हारे मेरे अधिकार बीच में ही रह जाए। ओके गाइस आज का ब्लॉग इधर समाप्त करते हैं, इन सारी जो भी आज बात करी है इस डॉक्टर मंत्री जी ने, ओके तो इग्नोर ही करना, मुझे पता है मेरे को कानों से धुए हुए कान खून आ रहा है। बस भैया आप क्यों 8:30 का टेक कर रहे हैं, तो इग्नोर करना सारी बातों को, भूल जाना। नहीं नहीं ये बोल के बता देना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन और नया
बाकी अगर आपको ब्लॉगिंग करना चाहते अच्छा लगे तो कॉमेंट जरूर कर।